लेट्स डिस्कस आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को कमेंस करने के पीछे का जो मोटिव ये था कि कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड्स हमारे सामने आते हैं, कुछ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हमारे सामने आते हैं जिनको कॉमन नेम दे पाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन बड़ी आसानी से बाय फॉलोइंग आईयूपीएसी रूल्स हम लोग आईयूपीएसी नेम उन्हें दे सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन टू हाइड्रोकार्बन रूल्स अलग अलग होते हैं, तो आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अल्केन को किस प्रकार से आईयूपीएसी नेम देना चाहिए। देखिए, सबसे पहला काम आईयूपीएसी नेम अल्केन को देते समय सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। अब अल्केन्स में कैसा होता है, किसी प्रकार का फंक्शनल ग्रुप उसमें नहीं होता, तो हमें सबसे पहला काम यह करना है कि कार्बन की लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूअस चेन हमें सिलेक्ट करनी होगी। हमें पूरे चेन्स वहां पे गिन के देखना होगा और बाद में कंक्लूजन पे आना होगा कि कौन सी चेन हमारी लॉन्गेस्ट हो सकती है। सो केयर मस्ट बी टेकन, चेन मस्ट इन्वॉल्व मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब हमारे लॉन्गेस्ट चेन में जितने कार्बन एटम्स इंक्लूड होंगे उतने ही कार्बन वाला पैरेंट अल्केन कंसीडर होगा। सो दूसरा काम हम ये करेंगे कि कंसीडर पैरेंट अल्केन। अब मान के चलो लॉन्गेस्ट चेन में 10 कार्बन आते हैं तो हमारा पैरेंट अल्केन कंसीडर होगा डी के, 6 आते हैं तो हेक्सेन, 5 आते हैं तो पेंटेन, इस प्रकार से। अब चेन के बाहर जो भी ग्रुप्स अटैच होते हैं उन्हें सब्स्टिट्यूएंट कहना चाहिए। सब्स्टिट्यूएंट को बहुत इंपॉर्टेंस है यहां पे याद रखना, क्योंकि जो हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया है उसमें नंबरिंग जो होगी, नंबरिंग उस एंड से होगी जिस एंड से सब्स्टिट्यूएंट पास में आते हैं, याद रखना। सो नेक्स्ट बिग थिंग इज नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट एंड विच इज नियरेस्ट टू द सब्स्टिट्यूएंट्स, जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में आए वहां से नंबरिंग होनी चाहिए। अब हमें देखना होगा कि सब्स्टिट्यूएंट्स कौन है। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स एक जैसे हो तो उनके लिए हमें सूटेबल प्रीफिक्स इस्तेमाल करना होगा। अब हमारे पास अलग अलग प्रीफिक्सेस है, जैसे दो अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट्स है तो उसके लिए प्रीफिक्स ऐड होगा डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हो तो हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोना, 10 सेम सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए डी का, 11 के लिए अंडी का, 12 के लिए डोडी का, ऐसे बहुत सारे हमारे पास प्रीफिक्सेस है उन्हें इस्तेमाल करना होगा। यानी सेम सब्स्टिट्यूएंट्स आइसोलेट करके नहीं लिखना है। सो फॉर सेम सब्स्टिट्यूएंट्स यूज सूटेबल प्रीफिक्सेस। अब हमें देखना होगा कि कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है तो उस हिसाब से हम प्रीफिक्स चूज करेंगे। अब मान के चलो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट है, तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखते समय हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, याद रखें। सो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे मान के चलो इथिल ग्रुप है और मिथिल ग्रुप भी है, तो अल्फाबेटिकली इथिल का ई पहले आता है और बाद में मिथिल का एम, तो डेफिनेटली हमें पहला प्रीफरेंस इथिल को देना चाहिए और बाद में मिथिल को। अब पूरे सब्स्टिट्यूएंट्स लिख के होने के बाद एट लास्ट राइट डाउन द नेम ऑफ पैरेंट अल्केन, एट
लास्ट राइट डाउन द नेम ऑफ पेरेंट अल्केन। अब ये वो रूल्स है जिनको फॉलो करके हम अल्केन के लिए आईयूपीएसी नेम बना सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल कंसीडर दिस कंपाउंड, हम इसको कंसीडर करते हैं, कंसीडर दिस केस। अब इसको हमें आईयूपीएसी नेम देना है। आईयूपीएसी नेम देते समय सबसे पहला काम कौन सा होना चाहिए? सेलेक्ट लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। अब यहाँ पे जितने भी पॉसिबल चेन से सब देख के देखो, पहली पॉसिबिलिटी 1 2 3, दूसरी 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कैसे भी करो यहाँ पे तीन अपॉर्चुनिटीज है। तीनों हिसाब से करके देखने के बाद हमें महसूस हो रहा है ज्यादा से ज्यादा 4 कार्बन एटम्स इंक्लूड हो सकते हैं। सो 4 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूस चेन हमें सेलेक्ट करना है कुछ इस तरह से। अब हमारे लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूस चेन में टोटल कार्बन एटम्स कितने इंक्लूड हुए? 4। तो जितने कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में आएंगे उतने कार्बन वाला पेरेंट अल्केन कंसीडर होगा। सो 4 कार्बन वाला अल्केन होता है ब्यूटेन। सो इन दिस वेरी केस हमारा पेरेंट अल्केन होगा ब्यूटेन। अब चेन के बाहर जो भी आपको दिख पड़े उसे सब्स्टिट्यूएंट कहना चाहिए, एंड दिस केस कंस्टिट्यूट ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट। अब इससे भी इंपॉर्टेंट चीज हमें नंबरिंग करनी होगी, यानी जो 4 कार्बन एटम्स लॉन्गेस्ट चेन में आए उसमें से पहला कौन सा और चौथा कौन सा। तो हमें एक स्पेसिफिक एंड चूज करना होगा नंबरिंग के लिए। तो याद रहे, नंबरिंग इज टू बी डन फ्रॉम दैट एंड विच इज नियरेस्ट टू द सब्स्टिट्यूएंट। अब मान के चलो मैं इधर से नंबरिंग करने को बैठता हूं, तो क्या यहाँ पे सीन है? देखिए 1 2 3, थर्ड कार्बन पे ये सब्स्टिट्यूएंट आ रहा। लेकिन अगर इधर से मैं नंबरिंग करूं तो 1 2 सेकेंड कार्बन पे आ रहा। दैट्स वाई नंबरिंग इज टू बी डन फ्रॉम दिस एंड, इधर से नंबरिंग होनी चाहिए क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट इधर से पास में आ रहा। सो 1 2 3 4, ये हो गए नंबर्स। अब यहाँ पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए कोई वांदा नहीं, हमें देखना होगा कि उस सब्स्टिट्यूएंट की पोजिशन क्या है। ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? मिथिल ग्रुप। मिथिल ग्रुप इज कनेक्टेड टू द सेकेंड कार्बन। That's why we need to indicate position first of all. यानी हमें लिखना है 2, then name of the alkyl group methyl. अब substituent लिख के हो गया, at last write down the name of parent alkane, that is butane. So 2-methyl-butane is IUPAC name of this member. यानी ये जो compound alkane का जो member हमारे पास आया है उसका IUPAC name 2-methyl-butane होगा। अब यहाँ पे एक ही substituent था, लेकिन मान के चलो एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हो तो हमें किस तरह से नाम देना चाहिए। तो अब हम दूसरा एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे, कंसीडर दिस केस। अब देखिए यहां पे हम ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं जहां पे सब्स्टिट्यूएंट का नंबर ज्यादा होगा। अब ये कंपाउंड हमारे पास है, इसको मान के चलो हमें आईयूपीएसी नेम देना है। तो पहला काम वही, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन। बट रिमेंबर वाइल सिलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट चेन जितने पॉसिबिलिटीज है सब काउंट करके देखो। कभी कभी क्या होता है, हम जल्दबाजी में जब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं तो कुछ ऐसी बातें हो जाती है जैसे कि कम कार्बन होने के बाद भी हमें महसूस होता है कि वही लॉन्गेस्ट चेन है, तो हमारा नाम गलत हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, पहली पॉसिबिलिटी 1 2 3, दूसरी 1 2 3, तीसरी 1 2 3 4। सो 4 कार्बन कंपैरेटिवली ज्यादा, दैट्स व्हाई दिस शुड बी द लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। अब हमारे लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन इंक्लूडेड है? 4 कार्बन। दैट्स व्हाई पेरेंट अल्केन जो कंसीडर होगा वो हमारा ब्यूटेन होना चाहिए। अब चेन के बाहर जो भी आपको दिख पड़े उन्हें आप सब्स्टिट्यूएंट बुलाएंगे। जैसे ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम मिथिल ग्रुप, दोनों के दोनों एक जैसे है। अब सेम सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखते समय हमें प्रीफिक्सेस ऐड करना होगा। अब दो सेम सब्स्टिट्यूएंट के लिए प्रीफिक्स क्या आएगा? डाय। मान के चलो तीन अगर होते तो ट्राई, 4 होते तो टेट्रा, 5 होते तो पेंटा, डिपेंड करता है कि कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास है। तो यहां पे इस स्पेसिफिक केस में 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, लेकिन उससे पहले हमें नंबरिंग करना होगा। और हमें पता है नंबरिंग शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम दैट एंड विच इज नियरेस्ट टू द सब्स्टिट्यूएंट्स।
अब इधर से अगर नंबरिंग करें तो 1 2, इधर से 1 2 3, यानी इधर से दूर आ रहा लेकिन इधर से पास, इसलिए नंबरिंग हमें इस एंड से करनी होगी। अब नंबरिंग करके हो गया, दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो सेम सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखने के लिए हमारे पास प्रीफिक्सेस है। दो सेम सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम प्रीफिक्स यूज करने जा रहे हैं डाय, उससे पहले उनका लोकेशन यानी उनकी पोजीशन इंडिकेट करनी होगी। जैसे कि पहला मिथिल ग्रुप सेकंड कार्बन को कनेक्टेड है, दस राइट डाउन टू, सेकंड मिथिल ग्रुप इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द सेकंड कार्बन, इसलिए इसकी पोजीशन फिर से 2 लिखिए। याद रखना जितने ग्रुप्स उतने नंबर्स दिखने चाहिए। अब इसके बाद प्रीफिक्स 2 के लिए डाय, ग्रुप का नाम मिथिल। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट्स लिख के हो गए, एट लास्ट राइट डाउन द नेम ऑफ पैरेंट अल्केन दैट इज ब्यूटेन। सो 2 2 डाइमिथिल ब्यूटेन, ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा। अब तीसरी बात ये, मान के चलो अलग अलग अगर सब्स्टिट्यूएंट्स है तो हमें नाम किस तरह से देना चाहिए। सो वैसा एक एग्जांपल हम यहां पे कंसीडर कर लेंगे। नाउ कंसीडर दिस वेरी केस, इस केस को हम लोग कंसीडर करते हैं। सो कंसीडर दिस मेंबर, ये अल्केन का मेंबर है। अब इसको मान के चलो हमें IUPAC नेम देना है, तो यहाँ पे भी पहला काम आप वही करोगे, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। देखिए 1 2 3 4 ऐसा काउंट करें तो 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कैसे भी करो 5 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन हमें मिल रही है। सो उसे फाइनलाइज करते हैं। अब 5 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में आने के वजह से हमारा पेरेंट अल्केन होगा पेंटेन। अब इसके बाद नंबरिंग हमें उस एंड से करना पड़ेगा जिस एंड से सब्स्टिट्यूएंट पास में आए। अब ये वो केस है, इधर से अगर आप करेंगे 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, तो ऐसे मामलों में आप कहीं से भी कर सकते हो क्योंकि दोनों एंड से बराबर में आ रहा। सो नंबरिंग इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब हमें सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेडिक्ट करने होंगे। ये तो हमारा मिथिल ग्रुप है लेकिन ये इथिल ग्रुप है। याद रखना इथिल और मिथिल दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स है, और अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स लिखते समय हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। सो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर टू बी रिटन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब देखिए इथिल का ई मिथिल के एम के मुकाबले पहले आ रहा है। जैसे हम ABCD अगर बोल के देखे, जैसे ABCDE, इथिल का ई अल्फाबेटिकली पहले आ रहा, दैट्स वाई हमें इथिल को पहला प्रीफरेंस देना चाहिए। अब इथिल ग्रुप तीसरे नंबर के कार्बन को कनेक्टेड है, दैट्स वाई राइट डाउन 3-ethyl, इसको हम लिखेंगे 3-ethyl। इथिल के बाद नंबर आएगा मिथिल का, मिथिल ग्रुप भी थर्ड कार्बन को ही कनेक्टेड है, इसलिए आप फिर से लिखेंगे 3-methyl। अब दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स लिख के होने के बाद एट लास्ट राइट डाउन द नेम ऑफ पेरेंट अल्केन दैट इज पेंटेन। सो 3-ethyl 3-methyl पेंटेन इज IUPAC नेम ऑफ दिस मेंबर। तो इस प्रकार से बाय फॉलोइंग IUPAC रूल्स हम लोग बड़े से बड़ा स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, उसको नाम दे सकते हैं।